दीदी, सीता आपसे कुछ कहना चाहती। निसंकोच कहो, तुम्हें तो पूरा अधिकार है सीता। ससुराल में भाभी और ननंद का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और आत्मीय होता है। ससुराल में ननंद ही एक ऐसी सदस्य है जिससे निसंकोच अपने सुख और दुख बताए जा सकते हैं। वही सही अर्थों में बहन तथा सखी दोनों के दायित्वों का पालन करती है। इसलिए दीदी, हम सभी आपको अयोध्या ले जाने आए हैं। सीता, मिथिला की जब भी कोई बात सुनी उसमें तुम्हारी चर्चा ना हुई हो ऐसा संभव ही नहीं था। बहुत कुछ सुना था तुम्हारे बारे में, पर आज ज्ञात हुआ कि तुम्हारी आंतरिक सुंदरता तुम्हारी बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक है। तुम में गुण, शील और रूप तीनों का समन्वय है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती यदि मैं आप सब लोगों के साथ अयोध्या में कुछ समय व्यतीत कर पाती। किंतु मैं एक विवाहित स्त्री हूं। जिस प्रकार तुम सब मिथिला को छोड़कर अपनी ससुराल अयोध्या जा रही हो, उसी प्रकार मैं भी अपना मायका छोड़ आई हूं। अब यही मेरा संसार है। और मेरा धर्म है कि मैं अपने पति और अपने ससुराल का ध्यान रखूं। इसीलिए वही धर्म निभा रही हूं मैं। मैं जानती हूं कि अपने मायके से दूर होना अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम सबको अपने ससुराल में इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतना आनंद मिले कि तुम्हें मायके से दूर होने का आभास ही ना हो। तुम सब अपने दाम्पत्य और गृहस्थ धर्म का पालन कर सको, यही मेरी शुभकामना है। आज रात्रि यही निवास करो, कल प्रातः अयोध्या के लिए प्रस्थान करना। अवश्य करते दीदी, किंतु वहां पिताजी, माताएं, समस्त अयोध्या सभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इतने वर्षों के पश्चात आए हो और अपनी पत्नियों के साथ पहली बार आए हो, कुछ समय यहां व्यतीत नहीं करना चाहोगे? पिछली बार मां आई थी, वो भी नहीं रुकी। हमें दीदी की बात माननी चाहिए। उचित है। आप सभी यहां विश्राम कीजिए, मैं रात्रि भोजन की व्यवस्था करती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। यही वो स्थान है जहां कलश है,
अब तुम अपने बल पर ही अमृत कलश को प्राप्त कर सकती हो। हे ईश्वर, हे प्रभु, एक स्त्री का आदर्श है उसका सतीत्व, एक स्त्री का आदर्श है उसका पति प्रेम। यदि मेरा हृदय पूर्ण पवित्र और निर्मल है, यदि मैं अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पित तथा मैं अपने पति से निष्कपट प्रेम करती, यदि मेरे सतीत्व में वो शक्ति है, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मुझे वो अमृत कलश दे दीजिए। संभव को संभव कर दिखाया मंदोदरी। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने मेरे प्राणों से भी प्रिय, मेरे पति की प्राण रक्षा में मेरी सहायता की। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। सीता, तुम्हारे नेत्रों में मैंने राम के लिए अपार प्रेम देखा है, और एक बहन के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? इतनी शीघ्र विवाह के उपरांत ऐसा सामंजस्य होना जैसा कि तुम दोनों में है, अद्भुत है। राम के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं? मुझसे कुछ भी कहने में संकोच क्यों? भाभी और ननद के संबंध का आधार स्पष्टवादिता और सत्य होता है। मैंने अपने कारणों से एक ऋषि से विवाह स्वीकार किया। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी, कुछ भी ज्ञात नहीं था मुझे उनके बारे में। केवल इतना जानती थी कि मुझे उनसे विवाह करना है। ऐसा सामंजस्य
ऐसा प्रेम, ये तो तभी संभव हुआ जब मैंने अपना जीवन उनके साथ आरंभ किया। और आज, आज मैं बहुत सुखी। आपकी प्रसन्नता आपके व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष है। तुम राम के सानिध्य से संतुष्ट हो, सुखी हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। कोई भी कन्या अपने पति में वही गुण देखना चाहती है जो उसने अपने पिता में पाए थे। आदर्श पति क्या होता है ये मैंने अपने माता और पिता के संबंध से सीखा है। पिताजी ने माँ को सदैव विचारों की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने माँ को पत्नी से पूर्व एक व्यक्ति के रूप में देखा है। कभी उन्हें दायित्व के सीमित या परिभाषित नहीं किया। और यही गुण आपके भाई में भी देखे हैं मैंने। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मेरी इच्छा अनिच्छा को महत्व दिया। अधिकार से पहले वो मेरे प्रति अपने दायित्वों के निर्वाह को प्राथमिकता देते रहे हैं। उनका मन केवल मेरे लिए नहीं, इस संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति संवेदना से भरा हुआ है। उनमें ज्ञान है, विवेक है, करुणा है, साहस है। और जब किसी व्यक्ति में इतने गुण हो तो वहां सामंजस्य और प्रेम होना तो स्वाभाविक है ना।